गाड़ी का नंबर है K51। तो देखो उसने वो पहुंच चुका हूं मैं 12 लच्छा पास। वाह क्या ब्यूटीफुल टनल है यार ये। ठीक है चलो बाय बाय। बाइक की हालत देख रहे हो आप। तो दोस्तों बाय बाय बोलते हैं सरचू को। यहाँ से मनाली है 222 किलोमीटर। टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो यहाँ पर तो है चेक पोस्ट। गाड़ी नंबर है KA51। ठीक है थैंक यू सर। ये है सरचू ब्रिज। अगर आप लोग पांग से सरचू के लिए आ रहे हो तो सरचू से 10 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सरचू में ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा कम, तो यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। ये यहाँ पर क्या फिर से मुझको कुछ करना है क्या? थैंक यू सर। तो अगर आप लोग मनाली से सरचू के लिए आ रहे हो तो सरचू के पहले ये काफ़ी सही सही कैंप्स बने हुए हैं। सरचू में कैसा है कि आप जाओगे और जाने के बाद में आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगा बेड रजाई। लेकिन अगर आप लोग लाइक कपल में आ रहे हो या अच्छी जगह स्टे करना चाहते हो तो ये कैंप्स बने ऊपर, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। इनका फेयर तो मुझको नहीं पता, देख सकते हैं आप सीन कितना ज़बरदस्त है भाई। इधर भी और उधर भी हार्ड बाइकर लोग रुके हुए हैं। मतलब आप में से कितने लोग हो जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि साइकिल लेकर के मनाली से सरचू तक पहुंच जाए? अपने अपने हाथ खड़े करिए। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। तो पब्लिक यहां पर आ गई है थोड़ी सी ऑफ रोड। अभी तक बाइक चल चुकी है 2,843 किलोमीटर। तो मनाली जाने के बाद मुझको अपनी बाइक की करानी है सर्विस। 3,000 किलोमीटर तक कंप्लीट हो जाएंगे। पहले तो मैं कहाँ से जाऊँ पता करो उससे। वहाँ से रास्ता, यहाँ से रास्ता। यहाँ तो बह रही है भयानक वाटर क्रॉसिंग। हाँ यहीं से दिखा रहा है। तो भाइयों और उनकी बहनों यहाँ पर आया है एक वाटर क्रॉसिंग। एक मिनट पहले मैं ना मुआयना कर लूँ जाने के बाद। इधर से निकलना है मुझको, लेकिन बस ये देख लूँ मैं। वो लग जा भाई कि बीच में कितना गड्ढा है। बाइक तो नहीं गिरेगी आज। तो यहाँ तक तो सीन सॉर्टेड है। तो दोस्तों जाने की बारी आ गई है। चली जा भाई। चल चल चले 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 आलो ले लो। चलो 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 चलो। तो भाई लोग जितना डिफिकल्ट सोचा था उतना डिफिकल्ट है नहीं। बॉन बाइकर भी निकल गए, मैं भी निकल जाता हूँ। मैं कर रहा था अपनी गोप्रो की बैटरी चेंज। तो भाइयों उनकी बहनों फिर से आ गया है एक नाला। ये सब छोटे मोटे नाले भाई क्या काम आएंगे? पेंगोंग वाला देखा किसी ने? उसके आगे ये सब क्या है? इतना तो पानी आपके चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जो सुलभ शौचालय है उसके बाहर मैंने देखा था। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, सब कुछ नहीं है भाई पास। तो दोस्तों नज़ारे देखिए आप, ये सब जो है 12 लच्छा पास आने के लक्षण है। यहाँ पर भाई लोग भयानक इंजॉय करते हुए बर्फ का गुल्ला बना करके एक दूसरे को सूता जा रहा है। यहाँ पर आ गई एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। छोटी छोटी खुशियाँ हैं भाई। है तो देखिए उसने वो लड़ा देगा पक्का गाड़ी, मुझको कंफर्म हूँ। बच गई। अच्छा वो घुमा दी उसने गाड़ी। सो बहुत ज़्यादा तेज़ी में बर्फ़ आया है।
क्या हो भैया, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? कुछ पैसा ऐसा मिल रहा है क्या? हमको भी चाहिए थोड़ा सा, बजट बहुत खड़बड़ा गया है हमारा। यहाँ तो खतरनाक पब्लिक जमा हो गई है। क्या है भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया भाई, इतनी पब्लिक क्यों है यहाँ पे? गाड़ी रुक गया था वहाँ पे, एक गाड़ी। मतलब कोई बहुत ज्यादा एडवेंचर लेना चाह रहा था? अरे क्या हाल है भाई, विष्णु नाम है, क्या नाम था तुम्हारा? गाड़ी सही हो गई तुम्हारी? कहाँ है R15? R15 टो करके चला गया। टो करके चला गया 2500 रुपए, मतलब सस्ते में निपटा दिया। ठीक है, चलो ये सब होता रहता, पार्ट ऑफ जर्नी है। बस पास में ही आ गया। हाँ ठीक है भाई। तो भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपने मेरा पेंगोंग वाला वीडियो देखा होगा तो ये लड़का विष्णु मुझको मिला था रास्ते में। दोस्त है ना विष्णु, तो वो नीचे अघम करके एक जगह है, वहां पर वो फंसा हुआ है। इन लोगों के पास थी एक R15 जिसका पिस्टन विस्टन हो गया था खराब, तो इन लोगों ने गाड़ी टो करा करके भिजवा दिया मनाली। मुझको इसने बोला था 5000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन लगता है मैटर सॉर्ट आउट हो गया बेचारों का। और अच्छा ही है, सस्ते में नहीं पड़ गए ये लोग। नीचे कोई आदमी भयानक एडवेंचर करना चाहता, उसकी गाड़ी फंस गई है, तो अब उसकी गाड़ी को किया जा रहा है टो। पहुंच चुका हूं मैं बहरल अच्छा पास पे, तो यहां पर मैं खिंचवाता हूं एक फोटो और उसके बाद में होता हूं मैं यहां से पास। तो भाइयों और उनकी बहनों, पहुंच चुका हूं मैं बहरल अच्छा पास, विच इज एट 4850 मीटर। मतलब हमारे पास में इस टाइम पे टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो हम लोग बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, एक आध फोटो वोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड सूरजताल, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। तो आज के लिए बहरल अच्छा पास। तो भाइयों बहरल अच्छा ला पास को बाय बाय बोलते हुए हम अब जा रहे हैं टुवर्ड्स सूरजताल लेक। मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे हैं। मनाली पहुंचते पहुंचते 6:30 दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आप वहां पर एक खूबसूरत सी लेक देख रहे हो, तो उस लेक का नाम है सूरजताल लेक। तो यहाँ पर शायद से चंद्रा और भागा रिवर आपस में ज्वाइन भी करती है, कुछ तो है इसके बारे में हमको ऐसा इमीडिएटली नहीं पता है, लेकिन हम गूगल पे पता करके आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम पे आईडी है bingrahil_ और रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी रहेगी आपको तो उस पर रिप्लाई मिल जाएगा, बाकी आपके ऊपर है। फॉलो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी करिए, कोई झमेला नहीं। और बहनों पहुंच चुका हूं मैं सूरजताल लेक, मतलब मैं गया हूँ गुरुदोंगमार लेक, मैं गया पेंगोंग लेक भी, लेकिन यहाँ से मेरी जुड़ी हैं यादें, इसलिए ये है मेरी वन ऑफ द फेवरेट लेक इन इंडिया। तो अभी के लिए ये नज़ारे एंजॉय करते हैं, ये लेक एंजॉय करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि शुभम भाई यहाँ से लें ड्रोन शॉट, तो अगर वो लेते हैं तो आप ड्रोन शॉट एंजॉय करिए। क्या हो गया भाई, इतनी आवाज आ ही क्यों है यहाँ पे? तो भाई लोग अब हमारा सूरजताल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। यहाँ से हमारा अगला स्टॉप होगा जिंगजिंग बार, वहाँ पर हम कोई पैग वैग नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसका नाम है जिंगजिंग बार, बाकी उस जगह पे बार नहीं है, रेस्टोरेंट है, सोने वोने का जुगाड़ है, अगर आप लोग आ रहे हो तो वहाँ पे रुक सकते हो। तो भाई लोग पहुंच चुका हूं मैं जिंगजिंग बार, और इस बार भी मैं उसी कैफ़े में रुका हूं, पीस कैफ़े, जहां मैं रुका था लास्ट टाइम। तो यहां का लास्ट टाइम का तो माहौल काफ़ी अच्छा था, टार पार्प लगा था, मस्त गर्मी का माहौल था। इस बार जाने के बाद मैं चेक करते हैं झूले। अब यहां पे झूले ख़त्म हो गए ना, अब यहां पे नमस्ते भाई जी बोलना है। अच्छा एक ही बात है। तो भाई जान सेटअप एकदम सेम है, एक साल पहले भी मैं आया था तब भी ऐसी था, यहाँ मेरा दोस्त लेटा हुआ था बंटी। इससे बढ़िया माहौल क्या हो। तो यहाँ पे कुछ चाय वाय बोलते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता पानी करते हैं, फिर निकलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर भी हमारा कार्यक्रम होता है पूरा। तो जिंगजिंग बार में हमने दो चाय का पे किया 60 रुपीज़,
और सरचू में हमने खाई थी चार मैगी और ली थी चाय चार, जिसका हमने पे किया 250 रुपीज़। अभी टाइम हो रहा है 3:35 PM। गूगल पे ETA दिखा रहा है मनाली पहुंचने के लिए 7:05। हार्ड भाई लोग है, भाई हार्ड भाई लोग है। भाई आप लोगों का कुछ कंपटीशन वगैरह चल रहा है क्या? बहुत सारे मैंने साइक्लिस्ट देखे आगे। कंपटीशन नहीं है, रिलैक्स्ड एक्सपेडिशन फ्रॉम लिटिल बिफोर मनाली 15 किलोमीटर बिटवीन कुलू नगर। हाँ हाँ, नगर से, नगर से खारडुंगला पास। खारडुंगला पास 12 से 10 डेज में, मतलब आपका ऐसा है। चलिए भाई लोग, आप लोग बहुत हार्ड आदमी हो, हम लोगों की बाइक पे हालत खराब है। आप लोग ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इंजॉय। कुछ तो इन्होंने एक्सपेडिशन बताया मुझको, मेरे समझ में नहीं आया, इतना हाई लेवल इंग्लिश बोली इन्होंने। लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए साइकिल से नगर, जो कि मनाली के 15 किलोमीटर पहले है, वहाँ से लेकर के खारडुंगला जाने के लिए। ये सब जो हैं उसी हाई लेवल इंग्लिश एक्सपेडिशन के मेम्बर्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई लोग जल्दी आओ जाओ यार, हमको भी तो जाना है मनाली, पहुंचना है नहीं पहुंचना आज हमको। पो तो भाई लोग लास्ट टाइम ये वाटर क्रॉसिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी, अब की निकली है वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, रोड रोड बन गई है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, नीचे से नदी, ऊपर से पुल और उसके ऊपर से हमारी बाइक। तो वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है नए वाले पुल का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बैरन में रहने के बाद अब थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी में आ रहा हूँ मैं, तो ये भी कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा नया नया एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वो थी सूरज ताल लेक और ये है दीपक ताल लेक, मतलब सूरज ताल लेक से थोड़ी सी छोटी सी है। तो अब यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकते हैं, आई मीन हरी। तो भाई लोग मेरे नीचे है डारचा और ये एक बहुत ही अच्छा सा रूट बना है टूवर्ड श्रृंखला पास, जो कि जाता है जांस्कार वैली। और यहाँ पर हैं अपने कॉप्स बॉयज, कॉप्स बॉयज से पता करते हैं कुछ। चंद्रा कुछ नहीं है भाई, आप टांडी में ले लो पेट्रोल पंप, वरना फिर सीधे ले में है। तो हमको कॉप्स बॉय ने बताया है कि ये जो है ये है चंद्रा रिवर। बहुत ही सही ब्रिज बनाया है, लास्ट टाइम मैं आया था कहीं नीचे से एक टूटा फूटा खड़बड़ खड़बड़ ब्रिज चल रहा था, और लास्ट टाइम पे ही मैं बोला था कि ये ब्रिज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ ही टाइम पे झिलबिला के गिर जाएगा। तो ये लोग, एक मोनेस्ट्री भी है जिसपा में। तो लाहौल वैली में जो सबसे बड़ा टाउन है वो है जिसपा और केलोंग, मतलब यहाँ पर हर तरीके की आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। शायद से जिसपा में हेलीपैड भी है, बाकी मेडिकल फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, कैंप्स वगैरह आप देख ही रहो लगे हैं, होटल्स वगैरह भी अच्छे हैं, मस्त एकदम सीन सॉर्टेड है यहाँ पर जिसपा में। क्या हो गया भाई, मेरी गाड़ी के आगे क्रॉस बनाई क्या? तो पब्लिक मैंने एंटर कर लिया अब केलोंग, तो काफ़ी बड़ा शहर है केलोंग, मतलब यहाँ पर आपका SBI का ATM वगैरह है, तो सब सीन सेट है, मतलब बेसिक नेसेसिटी की आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होम स्टे, होटल्स। तो हमारा प्लान था कि हम लोगों को जिसपा में रुकना था, कुछ हल्का फुल्का खाना ना खाना था, तो जिसपा भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद हमारा प्लान हुआ हम रुकेंगे केलोंग में, और केलोंग में भी मैं नहीं रुका, मैंने क्रॉस कर दिया। तो अब यहाँ से 3 किलोमीटर बाद आने वाला है टंडी, और अब टंडी में रुकना पड़ेगा और कुछ खाना पड़ेगा। तो भाइयों और उनकी बहनों, पहुंच चुका हूं मैं टंडी, और ये है टंडी का वर्ल्ड फेमस ब्रिज।
तो टांडी में मिलन होता है, संगम होता है चंद्रा रिवर और भागा रिवर का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस है टांडी का। सबसे पहले मेरे को चाहिए कोई जगह जहाँ पर मैं कुछ हल्का फुल्का खा सकूँ, और इतना ज़्यादा क्राउड में मेरे को क्राउड फंडिंग नहीं मांगता है भाई। नूडल्स मिलेगा क्या? नूडल्स भाई लोग, अभी मैं पहुंच चुका हूं टंडी। यहां पे लिया हम लोगों ने एक ब्रेक, यहां पर मैंने ऑर्डर किया चाउमीन और चाय। तो मुझे एक ये सर मिले हैं, सर से हम पता करते हैं कि सर ये टंडी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब टंडी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ बताइए। चेनाब का वो है, चंद्रभागा जो नदी है उसका संगम होता है यहाँ पे, उसके बाद चेनाब बन जाता है। वो चेनाब बन जाता है आगे। अच्छा, मॉनेस्ट्रीज है। मॉनेस्ट्री कितनी है यहाँ पे आपने बोला? एक ऊपर है, कोई तीन है कम से कम, तीन मॉनेस्ट्री है यहाँ पे। हाँ, मतलब इस टांडी पेट्रोल पंप के बाद में जो आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा वो मिलेगा 365 किलोमीटर बाद। तो कभी भी अगर आप लोग मनाली से ले कवर कर रहे हो तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों को यहाँ पे पेट्रोल फिल कराना है, क्योंकि बीच में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, और हो सके तो एक्स्ट्रा जेरी कैन भी कैरी करें। क्यों? तो चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। तो भाई लोग, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम होता है पूरा। यहाँ पर हमने ली दो नूडल्स, दो चाय और एक पानी की बोतल, और बिल आया पूरा पूरी 200 रुपये। तो अभी मुझको जाना है और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाना है, 1 किलोमीटर बाद ही है पेट्रोल पंप, टांडी पेट्रोल पंप। तो अभी के लिए मैं 500 रुपये का तेल पड़वा लेता हूँ, उसके बाद में मनाली में पेट्रोल पड़ाऊँगा मैं आराम से। तो दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं सिसू, और ये जो मेरे लेफ्ट में टेंपल है ये है राजा गेपन का मंदिर। और राजा गेपन के मंदिर का स्टोरी ऐसा है कि यहाँ के लाहौली लोग जब भी कुछ बड़ा काम करते हैं, जैसे कि शादी हो गई, फार्मिंग हो गई, या कुछ भी प्रॉपर्टी वॉपर्टी बाय करना, तो सबसे पहले यहाँ आते हैं राजा गेपन, जो है इनका आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद ही अपना आगे के काम को कम्प्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये एक टाइम पर बहुत ख़तरनाक होता था सिसू का नाला। तो वो जो मैं बोल रहा था वो नहीं था सिसू का नाला, सिसू का नाला कल भी जैसा था आज भी वैसे ही है। आ तो गया मैं दोस्तों, लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, देख रहे हो आप लोग क्या क्या भीग गया है मेरा। प्रोजेक्ट दीपक, वेलकम यू टू चंद्रा ब्रिज, चंद्रा रिवर और उसका चंद्रा ब्रिज, और वहां पर अटल टनल। स्पेयर पेट्रोल नहीं डाला? नहीं नहीं, स्पेयर पेट्रोल नहीं है, सब खत्म। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो अगर आप लोग रोहतांग टनल के अंदर आ रहे हो, वाह क्या ब्यूटीफुल टनल है यार ये। तो भाई लोग, पहली चीज तो अगर आप लोग रोहतांग टनल आ रहे हो तो स्पेयर पेट्रोल अपने साथ में कैरी ना करें। बहुत ही शानदार काम किया है BRO ने, हैट्स ऑफ टू BRO। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर लोग जो है स्पीड को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पीछे वाला जो कार वाला चल रहा है वो ओवरटेक नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लगे हुए कैमरे, अगर आप भगाएंगे स्पीड से ज़्यादा तो आपका कटेगा, और अगर आपने गाड़ी रोकी यहाँ कहीं बीच में या थोड़ा साइड में और उतर करके डांस वांस करना चालू किया तब भी आपका कटेगा, और तब तो और मोटा कटेगा। हम चेक करेंगे कि हमको कितना टाइम लगा अंदर से बाहर निकलने में। तो मेरे में दिखा रहा है 11 मिनट्स एंड 20 सेकंड। बीच में कॉप से मेरी हल्की पुल्की बात हुई थी, मतलब आप 11 मिनट में रोहतांग टनल से बाहर आ सकते हो। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मनाली, और आज की जर्नी की बात करें तो आज की जर्नी बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी थी, हेक्टिक भी थी, मतलब मजा आया आज बाइक चलाने के बाद में, इतना ज्यादा टायरिंग भी नहीं लगा। तो पहुंच चुका हूं मैं रूम में और नहा धो करके हो गया फ्रेश, अब मुझको जाने के बाद बाहर करना है डिनर और उसके बाद में मैं जाऊंगा सो। तो आज की वीडियो को करता हूं यहीं पे मैं एंड, हम मिलते हैं सीधे कल, अंटिल देन पीस।